नोट भी छूते का मतलब क्या है पाकिस्तान की आवाम को? मतलब इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप दूसरे मुल्कों में जाके अपनी पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, उनसे अगर आपने डील्स करनी है तो आपको बिल्कुल सही कह रहे हो, बाहर के मुल्क यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के लोग हमारे अंडे यूज कर सकते हैं, हमारे मुसलमान मुसलमान को मार सकते हैं। अगर आपको किसी बैंक से लोन चाहिए होता ना, आप अपनी अपनी डील बैंक के पास। सुनो, इसको सोया ही रहने दो, पढ़ने लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये भाग रहे हैं आपके सामने, ये भाग गया, इसको जवाब नहीं आए, ठीक है, इसलिए यहाँ पीटीआई का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। ये मुस्लिम लीग नून का कारकुन है, इसके वालिद साहब इसको लेके आए हैं, इसके वालिद साहब इसको लेके आए हैं, वो कह रहे हैं बच्चा से जी बताए। आप खान साहब के मकबूले चेक करें, वहाँ खिताब दे रहे हैं, यहाँ सारे अपने बातों में लगे हुए हैं, सारे खिताब सुने जाके खान साहब का, वो हमने बड़े सुने। अच्छा मुझे बताएं कि मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत क्यों है, मरियम से इतनी मोहब्बत क्यों है? मैं शबाश का सपोर्टर हूँ। आप बेसिकली शबाश शरीफ की बात करें तो मैं जवाब देता हूँ। मैं क्या कहते हैं, शबाश जी सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे मैनेजमेंट, अच्छे हैं, ये किस तरीके से अच्छा अच्छा। अगर शहबाज शरीफ, अगर नवाज शरीफ इतने अच्छे हैं तो हम बिल्कुल पसमानदा कौम और हम बैगर्स नॉट द चूजर्स क्यों हैं? क्या बताओ मुझे, जुमले का मुखफ़ क्या है? हम और चाइना एक साथ आजाद हुए थे, चाइना तो ओपियम ईटर था, वो तो सुपर पावर बन गए, और हम इन निकम्मों साजे गाम में माजे कॉकरोचेस की वजह से हम नीचे पीछे की तरफ जा रहे हैं। इनका जवाब अच्छा मैंने इनकी बात 37 ईयर्स तो फौज ने गवर्नमेंट की है, उसका जवाब कौन देगा? कोई भी नहीं देता, सारे साथ दोनों पे आकर डाल देते। 30 साल से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, उसका कौन साथ देगा? एक बेचारे चोरों के अंदर एक 3 साल एक बंदा आ गया तो उसके पीछे लग गए। वो कहते थे ना, एक थाने में वो चोर ही चोर थे तो उधर ईमानदार थानेदार आ गए तो सब इकट्ठे हो गए, ये वही वाली बात है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में 2018 की रैंकिंग उठा लो, करप्शन की 2022 की उठा लो, किस इंक्रीज हुई है आपकी करप्शन मुल्क में, इंक्रीज हुई है इमरान खान के 4 साल के खान साहब के आने की वजह से करप्शन इंक्रीज हुई है। अच्छा, हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल दारा कह रहा है, इंटरनेशनल तो पैनामा केस में, अब क्यों इमरान खान भाग का पहले का वो नवाज शरीफ कब का भागा? शहबाज शरीफ के आप हैं, शहबाज शरीफ साहब किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर बने हैं? कल तक ये कहते रहे सिलेक्टेड, आप कैसे सिलेक्ट हो गए? आप तो सिलेक्ट 70 ईयर से पाकिस्तान बना हुआ है, शहबाज शरीफ तो कहता है बैगर्स नॉट द चूजर्स, ये बताएं मुझे क्यों कहता है वो? आप शहबाज शरीफ के 174 बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, 74 ऑफ बैगर्स कैन नॉट बी, इसका जवाब दे देना किसका? बैगर्स कैन नॉट बी चूजर का मतलब क्या है पाकिस्तान की आवाम को? मतलब इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप दूसरे मुल्कों में जाके अपनी पॉलिसी दी अप्लाई कर सकते हैं, उनसे अगर आपने डील्स करनी है तो आपको बिल्कुल सही कह रहे हो, बाहर के मुल्क यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के लोग हमारे अंडे यूज कर सकते हैं, हमारे को मार सकते हैं, मुसलमान को मार सकते हैं। अगर आपको किसी बैंक से लोन चाहिए होता ना, आप अपनी अपनी डील बैंक के पास। सुनो, इसको सोया ही रहने दो, वो उसका है ना गाना सोना बीमार। अच्छा मुझे, अगर आपको किसी बैंक से कोई लोन चाहिए होता ना, अब बैंक में जाके अपनी डील रखते, बैंक की डील्स मान के उन। अच्छा खान साहब जब भी बाहर जाते हैं, खान साहब अभी शिवाशी साहब तुर्की गए, वहाँ पे उनकी एक वीडियो वायरल हुई कि देखें मैं मांगने नहीं आया, जिस तरीके से आगे सुनने कहा कि मैं मांगने नहीं आया, लेकिन क्या क्या मजबूरी हमारी, कौन सा कोई पूरी कौम की बेइज्जती कर। देखे जी, मुल्क के लिए गया था, किसी अपने लिए नहीं गया था, मुल्क के लिए गया था लेने, वो ला के मुल्क में। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरा सवाल शहबाज शरीफ साहब ये कहते रहे कि मैं सरदारी को मुल्क उसकी जागीर है, शहबाज की उसकी जागीर है। हेलो, आज एक मिनट सर, एक मिनट, जब हमने पाकिस्तान बनाया तो हमने कायदे आजम जैसा पढ़ा लिखा काबिल तरीन आदमी बनाया, तो अब हमारी एजुकेशन आम हो गई है, तो हम साजे का मैच शहबाज शरीफ नवाज शरीफ इनसे पिछड़ ये क्यों नहीं बन जाता? आप कह रहे थे ना, आप कह रहे थे कि वो मुल्क के लिए जाता है, तो वो मुल्क के लिए जब जाता है ना तो उसको कोई सही से चेयर भी नहीं देता, पता है ना आपको, उसको वहाँ पे चलना नहीं आता, ठीक है। दूसरी बात, एक मिनट सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके कल मिफ्ता इस्माइल ने ये बोला है कि हमने एक मुल्क से मुल्क के लिए कर्जा मांगा है ताकि हमारे हालात ठीक हो जाए, तो आगे से उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, उन्होंने हमें इनकार कर दिया।
ठीक है, भाई जान जब ये भाई जान मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही सुनावला था पीपल्स पार्टी के दौर में, जब पीपल्स पार्टी के साथ था, इसने कहा था एक टैक्सी लाहौर से भागी मनसेरे से पकड़ी गई, उसको बाप बना के बैठे ये कंजर लोग। एक मिनट, यही यही इमरान खान था जो कहता था प्रेज लाइफ लाख सबसे बड़ा डाकू है, आज सीएम पंजाब बना दिया। सियासत में कोई चीज हर पे आखिर नहीं होती, ये बात मैं याद रखें। एक मिनट, मेरे एक मिनट यार, मेरी बात सुनो। जब रात के 12 बजे अदालतें खुली, ठीक है, बिला वजह बगैर किसी करप्शन के केस के, बगैर किसी, और अमेरिका के कहने पे रात के 12 बजे अदालतें खुली, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान को हटाया, ठीक है, तब जज बहुत अच्छे थे, जज को सलूट मार रहे थे। 9 दिन पहले आप मरियम का बयान सुन लें, जब वो उसने मुस्तैद किया, सुनो अब वो क्या कहते हैं, हम बाइकॉट करते हैं, हमें जज पसंद नहीं है, हमें अपनी मर्जी के जज चाहिए, जो फैसला हमारे हक में होगा वो जज बहुत अच्छे हैं, जो हमारे हक में नहीं करेगा क्यों, लाहौर मार, यही चाहते हैं। एक मिनट, यही चाहते हैं सर। सबसे पहले ना इंसान का गिरफ्तार में झांकना चाहिए। जब 12 बजे फैसला आया, यही पीटी वाले सारे खिलाफ थे, आज जजों के साथ हो गए, आज वही तीन बेंच, वही अदालत, आज सारे जज। मरियम ऐसा क्यों कह रही है? नहीं नहीं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने यार मेरी बात सुने, आपका पॉइंट आ गया, बड़ा अच्छा पॉइंट दिया आपने कि यही पीटीआई थी, यही सब था, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्लेम में डिफरेंस है, तब पीटीआई वाले या खान साहब ये क्लेम कर रहे थे कि देखे जो एक डिप्टी स्पीकर था जिसने ये रूलिंग दी थी, राइट, आपने उसे सुप्रीम कोर्ट में बुलाया ही नहीं, ठीक है, जिस क्लेम के ऊपर जो वो क्लेम कर रहे थे कि इस खत की बुनियाद पे मैं रूलिंग दे रहा हूँ, राइट, आपने उसको चेक ही नहीं किया, ठीक है, आपने डिप्टी स्पीकर को बुलाया तक नहीं कि आपने किस बेस पे रूलिंग दी, राइट। अच्छा सुने ना, अच्छा पूरी बात सुने, अच्छा पॉइंट पूरा नहीं हुआ अभी, लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी साहब को पूरा मौका दिया गया कि आप आए अपनी रूलिंग को जस्टिफाई करने की ट्राई भी करें, एटलीस्ट देखें, इससे जवाब ले लें। अभी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर इसके ऊपर आना है, इंशाल्लाह पीटीआई की तरफ कल यही इंटरव्यू देगा। थैंक यू। यहाँ पे पीटीआई के लोग ज्यादा हैं, इसलिए ये शो नहीं करना कि वो डिबेट जो ज्यादा यूनिटी और वो अकेले उसको बोलने का मौका दे, उसको पूरा बोलने का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में लिखा है कि इमरान खान पीटीआई साजिश को साबित करने में नाकाम रहे, इस वजह से रूलिंग डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कैंसिल की, इसलिए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कैंसिल की गई है। खान साहब को बुलाया, उसके वकीलों की, स्पीकर को बुलाया ही नहीं, वकीलों कहने दिया नहीं, अब खान कहता है मैं इस फैसले के खैमत कल मखान आ गए, मैं आज के फैसले खैर मकदम करता हूँ, पहले कहता था मुझे इसके फैसले बड़ा अफसोस हुआ, जो इसके हक में आ जाए उसने। खान साहब का यार, खान साहब का और पीटीआई का अभी तक क्लेम वही है, उन्होंने हमारे सदर ने वजीर आजम होते हुए उन्होंने वो खत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भेजा हुआ है, वो अभी तक यही क्लेम करते हैं कि यार आपको चाहिए कि आप अभी भी उसे खोल के पढ़ें, उसके बाद एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए प्रॉपर, राइट। इसमें पढ़ा लिखा कोई नहीं है, सब जवाली ने, जिसके ऊपर सारे तबका टोला बैठा हुआ है, जिसको जरा भी पढ़ने लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये भाग रहे हैं आपके सामने, ये भाग गया, इसको जवाब नहीं आए, ठीक है, इसलिए यहाँ पीटीआई का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है।